आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी दृष्टि आई एस ने एम पी पी एस सी को ध्यान में रखते हुए पांच मॉडल पेपर दे दिए हुए हैं उसमें से अभी तक हम लोग दो खत्म कर चुके हैं ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि जब से एम पी पी एस सी का नया पाठ्यक्रम आया हुआ है नया सिलेबस आया हुआ है उसके बाद पहली बार ये प्रल्लिम्स होने जा रहा है नए पाठ्यक्रम के एक तरह से हिसाब से तो आप लोग इन मॉडल पेपर को जरूर देख लें एक बार ठीक है और वैसे भी इनमें आपके वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा के लिए और दृष्टि आई की मेन साइट से आप लोग इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और भी आप लोग दृष्टि आई की जो मेन साइट है उसे खोल लिया करिएगा काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है अगर आप एम पी पी एस सी यू या और भी स्टेट पी या सिविल सर्विस यानी कि यू के बारे में कुछ सामान्य जानकारी चाहते हैं तो वहाँ सब कुछ मिल जाती है चलिए इसे हम लोग देखते हैं तीसरे मॉडल पेपर को और याद रखिए पेपर फर्स्ट है जिसे आप लोग जी फर्स्ट भी कहते हैं पेपर सामान्य पेपर फर्स्ट और आप सभी जानते हैं कि सौ क्वेश्चंस होते हैं दो सौ नंबर का रहता है तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं तो याद रखिए मोहम्मद हामिद अंसारी इस तरह की जो बुक्स चर्चा में रहती हैं उन्हें जरूर आप लोग याद रखिए उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही सही होगा क्या होगा क्या सी ऑप्शन आगे आपका क्वेश्चंस निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मैं प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया तो याद रखना होगा ये थे पंत यानी कि दूसरे में आपका ए ऑप्शन मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का प्रारंभ मध्यप्रदेश के किस जिले से किया गया तो ये तो आप लोग मालूम होना चाहिए ग्वालियर से एम का एक जिला है ग्वालियर ग्वालियर जिले से शिवराज सिंह की बात हो रही है सैयद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी ट्रॉफी के फाइनल में किससे हराकर तमिलनाडु ने यह किताब अपने हाथ नाम किया है तो ये है आपका बड़ौदा को किसे बड़ोदरा को ठीक है चार में आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के एक मॉडल का उद्घाटन किया है एक कहां किया है तो यह किया है नई दिल्ली में कहा नई दिल्ली में बी ऑप्शन सही है हाल ही में किस को किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है तो याद रखिए आपके नफ बी नेट ठीक है छठवे में बी पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों नाम, नाम दिए गए हैं और इसके स्थानीय इस नाम के संदर्भ में कौन सही सम्मिलित नहीं है क्या पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है यानी कि असत्य है एक तरह से महाराष्ट्र क्या है महाराष्ट्र सहदी सही है कर्नाटक अन्नामलाई गलत है केरल काड़म इलायची सही है तमिलनाडु नीलगिरी तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे साथ में बी ऑप्शन क्योंकि गलत पूछा है सही नहीं है पूछा है निम्नलिखित युगों पर विचार करना है ये आपकी नदियां हो गई ये संबंधित दर्रा हो गए तो इनमें आप लोगों को देखना है तो इसमें आप देखिए कि उपयुक्त युगमों में से कौन सा सुमिलित है क्या पूछ रहा है सही है पूछ रहा है क्या पूछ रहा है सही कौन सा है इसमें से तो इसमें आप देखेंगे कि राबी रोहतांग दर्रा बिल्कुल सही है ब्यास बारा लाचा दर्रा गलत है सतलुज सिप किला दर्रा तो इसमें आप लोग याद रखिए राबी रोहितांग और सतलुज सिप किला इसमें एक और तीन यानी कि क्या लगाओगे सी ऑप्शन क्या आठ में सी निम्नलिखित में से कौन सी कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं या करता है तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आप देखेंगे एलिनो भी करती है पश्चिमी जेट धाराएं भी करती हैं और तिब्बत का पठार यानी कि डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी नौ में डी क्वेश्चन दस सूची एक सूची दो को आपको सम्मिलित करना है एक सूची एक में प्रमुख बांध हो गए और राज्य किस राज्य में है ठीक है क्या पूछ रहा है किस राज्य में है चेरु थोनी बांध ये आप जानते हैं केरल में आपको देखने को मिलेगा इंदिरा सागर बांध ये आपका एम यानी कि मध्य प्रदेश में कृष्ण सागर राज कृष्ण राज सागर बांध ये आप देखेंगे कर्नाटक में मैतूर बांध ये तमिलनाडु में चेरुथोनी बांध कहा है ये आपका है केरल कहाँ केरल में है कहाँ है केरल में और इंदिरा सागर एम पी कृष्ण राज सागर ए कर्नाटक कहाँ है कर्नाटक मैतूर बांध ये तमिलनाडु ये आप लोग याद रख सकते हैं इसमें तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे डी ऑप्शन होगा आपका दस में डी क्वेश्चन नंबर ग्यारह सूची एक और सूची दो ये आपके उद्योग दिए गए ये अवस्थिति दी गई उनकी रेलवे उपस्तर ये आपको देखने को मिलेगा भिलाई से संबंधित है और भिलाई में ठीक है और मोटर वाहन ये जबलपुर पोत निर्माण कोची साइकिल लुधियाना साइकिल लुधियाना यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसे क्या करिए कि आप लोग डाउनलोड करके आराम से बैठ के मस्त होकर एक तरह से पढ़ते रहना देख लेना पांचों को और टेलीग्राम पर भी आपको डाल देंगे ठीक है पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है और वहां एक पक्षी अभ्यारण है भारत में कहा अवस्थित देखने को मिलेगा ये ये आपको लक्षद्वीप में कहा लक्षद्वीप में ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे सामने तेरह क्या पूछ रहा है पित, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका क्या परिणाम मिलता क्या परिणाम निकलता तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा हो और दिन और रात्रि रात्रिचक भी नहीं होगा और जो आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है इससे क्या परिणाम रहते हैं इसकी एक तो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त भी होता है और दिन और रात्रि का चक्र भी चलता रहता है और सूर्यास्त तो सूर्योदय की हिसाब से तो आप देखते हैं रात दिन होता रहता है तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे क्या लगाएंगे डी क्वेश्चन नंबर चौदह क्या पूछ रहा है भूकंपीय तरंगों के संचरण के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है क्या पूछ रहा है सही है पी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्द बनती है बिल्कुल सही है एल तरंगों को धरातली तरंगे भी कहते हैं बिल्कुल सही है तीनों आपके बिल्कुल सही है यानी कि इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे उत्तरी गोलार्ध में अलतम दिवस सबसे छोटा दिन कौन सा होता है उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं बताइए तो ये है बाईस दिसंबर कौन सा बाईस दिसंबर डी ऑप्शन आपका पंद्रह में बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर सोलह एक तो आपकी सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है ये आपके घास के प्रकार हो गए और जिस देश में आपके हैं और याद रखिए यूपीपीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है घास के मैदान से हर बार एक क्वेश्चन आता है आप समझ रहे हैं एक दो क्वेश्चन आते हैं और आपकी बाकी स्टेट एग्जाम में भी आते रहते हैं सिविल सर्विस में भी पूछ लेता है तो सूची एक सूची दो को आप लोग किस तरह से सम्मिलित सम्मिलित करेंगे जोड़ेंगे एक तरह से लानोज ये कहाँ देखने को मिलेगा वेनेजुएला, पेरिज पेरिज कहा यूएसए में पंपास पंपास कहाँ अर्जेंटीना में डाउंस कहाँ ऑस्ट्रेलिया में लानोस लानोज, लानोज वेनेजुएला, पेरिज यूएसए पंपास अर्जेंटीना डाउंस ऑस्ट्रेलिया इस तरह से इसमें कौन सा सही होगा इसमें आपका होगा डी ऑप्शन सही सोलह में डी चलते हैं क्वेश्चन सत्रह की तरफ लेबरों का संबंध किस खेल से है तो ये आप सभी जानते हैं वॉलीबॉल से किससे वॉलीबॉल से, -बॉल से? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक होती है और एक यह एक देशात्मक पारिस्थितिकी तंत्र की को अपनी अस्तित्व बनाए रखने और नष्ट होने से बचाने में मदद करती है बिल्कुल सही है ये आपका कथन बिल्कुल सही है ठीक है और एक बात बता दूं, आप लोग अगर पर्यावरण पारिस्थितिकी को पढ़ते होंगे तो आप लोग बेहतर जानते भी होंगे इसे तो इसमें आपका कथन एक ही सही है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शाकाहारी की ओर जाता है बिल्कुल गलत मांसाहारी मांसाहारी ऊर्जा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करते हैं बिल्कुल गलत उत्पादक के निकट रहने वाली जीव मांसाहारियों की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं यह भी बिल्कुल गलत है अठारह में आपका यही होगा उन्नीस सर्वप्रथम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस चुनाव में किया गया था तो ये आपको बता दूं ये है आपकी उन्नीस में हुआ था पारूर केरल विधानसभा चुनाव उपचुनाव में ये आप लोग जरूर याद रखिए क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है आपका ठीक है आगे चलते हैं हम लोग आगे चलें बीसवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे बीसवा हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारण तक निम्न में से किस वायुमंडलीय गैसों को ध्यान में रखा जाता है तो इसमें आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड उपयुक्त सभी होगा इसमें आपका क्या लगाएंगे? कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय संस्था आई की इस प्रकार के पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को किस वर्ग में रखते हैं तो याद रखिए रखते हैं आप लोग सुवेद जातियों के यानी कि इक्कीस में आपका बी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो याद रखिए महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा इसका आप देखते हैं एमपी में भी पड़ता है संजय गांधी ठीक है 22 में आपका ए क्वेश्चन है आपका 23 संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कम से कम एच के किपलानी राज्य लोक सेवा आयोग कैसा है ये आप सभी जानते हैं कि ये आपका संविधानिक है अनुच्छेद 315 आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए अगला है पच्चीस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से कितनी होती है ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपने देखा इसमें अभी हाल में ही संशोधन भी किया गया था तो इसमें आप देखेंगे तीन वर्ष या फिर सत्तर वर्ष की आयु जो भी प्राप्त हो क्या हो तीन सत्तर क्या होना चाहिए तीन सत्तर जरूर आप लोग याद रखिएगा इन्हें ये क्या है कि आप देखते थे जब आपके तीन एक तरह से आपके वो हुआ करते थे क्या तीन आपके जब एक्ट आते थे एम में तो काफी बड़ी संख्या में इनसे आते थे तीन सत्तर, ठीक है याद रखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, की नियुक्ति कौन करता है तो इसे आप लोग बताइए तो इसमें आप देखना चाहिए आपको केंद्र सरकार करती है कौन करती है केंद्र सरकार हमारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था तो याद रखिए शांता सिंघा शांता सिन्हा सत्ताईस में डी मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं आप थे? तो याद रखिए सिविल न्यायालय की किसकी सिविल न्यायालय की क्वेश्चन है हमारे सामने उन्तीस किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है तो ये आप सभी जानते हैं कि आपका है नवासीवा संविधान संशोधन अगला क्वेश्चन है पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम कौन सा था तो ये था आपका एच वाई कॉम्प दो पचास इसे भी याद रख लीजिएगा निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का नमोनिवेश अंग माना जाता है तो याद रखिए आपका प्रगति को किसे प्रगति को इकतीस में आपका ए क्वेश्चन हमारे सामने बत्तीस निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है सर्च इंजन नहीं है तो इसमें आप देखते हैं गूगल से आप लोग विंग से भी याहू लेकिन फायर वाल से आप लोग नहीं करते हैं सर्च इंजन नहीं है आपका तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन एक संगठन की वेबसाइट में डॉट कॉम क्या होता है ये क्या होता है तो आप सभी जानते हैं कि ये होता है आपका विक कॉमर्शियल ठीक है तैंतीस आपका डी आप लोग जब कभी इस तरह का कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां आप लोग देखते भी हैं ईडी शिक्षा के लिए धोखे से शादी कर धर्म परिवर्तन कराने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना कौन सा राज्य बना पहल, दूसरा राज. ठीक है? 34 में आपका ए पैंतीस हाल ही में संसद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल 2020 पारित हुआ है इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है इसमें आपकी 24 सप्ते सप्ताह कह दी गई है कितनी 24 35 में आपका डी क्वेश्चन हमारे सामने 36 भारत की प्राचीनतम आदिमानों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है ए आप देखेंगे हत नौरा से कहाँ से हत नौरा से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सैतीस ता संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश कौन सा है ये आप देखेंगे मालवा क्षेत्र ठीक है सैंतीस में आपका डी क्वेश्चन हमारे सामने अड़तीस निम्न में से यानी कि विमेल यानी कि गलत है कौन सा गलत है तो इसमें आप देखेंगे धावटी नित कोरकू बिल्कुल सही है बिल्मा बेगा जनजाति बिल्कुल सही है लहेंगी नित एकोल ये आपका गलत है और भड़म नित ए भरिया बिल्कुल सही है तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि बीमेल यानी कि गलत पूछा है बाकी तीनों आपके सही हैं मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है तो ये तो अब बड़ा सरल ही है कहा देखेंगे रायसेन निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रतलाम कौन सा रतलाम अगर कोई गलती हो जाती है क्योंकि आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे तो नीचे लिख दिया करिएगा सुधार के भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से दो मध्य प्रदेश में कहां मिलते हैं आपको एक तो आप देखेंगे आपको इसमें ओंकारेश दूसरा उज्जैन ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगनपात नौ लिंगनपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं ठीक है नौ आपको देखने को मिलेगा कादंबरी किसकी रचना है कादंबरी किसकी रचना है तो ये आप जानते हैं बाढ़ भट्टी की है तैतालीस में आप डी लगाएंगे क्वेश्चन है आपका चवालीस बाबा गरीब नाथ मेला किस जिले में लगता है तो याद रखिए में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य ये आप सभी जानते हैं राई और आप देखते होंगे बुंदेलखंड से अगर आप आते हैं तो कोई भी त्यौहार होता है वहां राई जरूर होती है निम्नलिखित में से बल का ऐसा ही मात्र ये आप देखें किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ठीक है चश्मा बनाने चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पिकासी कांच किसका बनता है ये आपका देखेंगे फ्लेंट कांच का ठीक है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन है हमारे सामने 48 एक नाप की में भारी जल का प्रयोग क्या काम करता है इसका तो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है ठीक है अड़तालीस ए उनचास बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो इसका है एन ए एच सी ओ थ्री एन ए एच सी ओ थ्री बी ऑप्शन सही है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है तो कैंकड़ा नहीं है बाकी आप देखें बरूती है मकड़ी और बिच्छू ये तीनों है कैकड़ा नहीं है इसमें 50 पचास में ए ऑप्शन क्वेश्चन हमारे सामने इंक्यावन क्या है इंक्यावन डीएनए की ओप इकाई को क्या कहते हैं डीएनए की ओप इकाई को क्या कहते हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड ठीक है इंक्यावन में आपका ए सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है और सूची एक में आपकी आविष्कार दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपकी आविष्कारक तो इन्हें आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिएगा क्या करना है याद रखना है डबन ये आप जानते हैं कौन है लुई पास्चर लुई पास्चर फेनेसलीन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फेने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर बेली बेसिलस एंथिस एंथेसिस इसमें आप देखेंगे रॉबर्ट कॉच किडबन लुई पास पेनेसिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चेचक का टीका एडवर्ड जेनर वेसिलस एंथेसिस रॉबर्ट कॉच तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारे सामने तिरपन निम्नलिखित में से नासा की के के किस दूरबीन मिशन ने से 2021 में स्पेटजर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद की थी तो याद रखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि त्रेपन में आपका सी क्वेश्चन हमारे सामने ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच अंतर क्या है ब्लूटूथ 2.4 पॉइंट फोर एच जी जेड रेडियो आवृत्ति यानी कि गीगा रेडियो आवृत्ति पट्टी प्रयोग करता है जबकि वाई फाई टू पॉइंट फोर गीगा से लेकर आपकी फाइव गीगा हर्ट्स तक आवृत्ति पट्टे प्रयुक्त करता है तो इसे याद रखिए इसमें अंतर ये आपका है चमगन में आपका ए है इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं परम ईशान संबंधित है परम ईशान संबंधित है ए सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से क्वेश्चन है छप्पन क्या पूछ रहा है सैंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है यह रोबोट फरासर तरंगों के माध्यम से संचालित किया जाता है यह रोबोट ट्यूमर के उपचार में काफी प्रभावी सिद्ध हो सकता है यह रोबोट आकार में एक रक्त कोशिका के बराबर होता है इसमें आपका बी और सी सही है यानी कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे क्या लगाएंगे बी और सी सही है छप्पन में आपका डी क्वेश्चन हमारे सामने संतानवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को किस चार्टर अधिनियम द्वारा खो दिया था यानी कि खत्म किया गया था तो इसमें आप देखेंगे सी 1813 में आप देखेंगे चीन और चाय को छोड़ दिया गया था लेकिन 1833 में सब कुछ खत्म कर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपने देखा होगा कि सभी चार्टर अधिनियम को जितने भी आपके अधिनियम बने सत्रह से लेकर उन्नीस सबके बारे में बात की हुई है तो आप लोग जाकर वहां देख लीजिए बयालीसवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस में संशोधन किया गया इसमें से कुछ शब्द जोड़े गए इस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए शब्दों को आप लोगों को सही अनुक्रम चुनना है कौन कौन से जुड़े गए थे तो आप सभी जानते हैं कि इसमें समाजवादी जोड़ जोड़ा गया था पंत निरपेक्ष जोड़ा गया था अखंडता समाजवादी पंत निरपेक्ष और अखंडता अंठावन में आपका सी क्वेश्चन हमारा उनसठ ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है उन्नीस में जो बयालीसवा संविधान संशोधन हुआ था क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तो आप सभी जानते हैं कि भाग तीन में अनुच्छेद पंद्रह से लेकर ग्यारहता ये आपके नागरिकता की बात करता है क्वेश्चन साठ निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं तो इसमें आप जानते हैं कि परम आदेश का ठीक है बी ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन हमारे सामने इकसठ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है इनमें से कौन सा एक सही है भारत के राज संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाया नहीं तो कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं की गई है कोई आपको ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं दिया गया जिससे राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया बताई गई हो एक तरह से उसमें तो कह दिया कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे पांच साल की बात की गई है लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उस उसके पहले भी हटा सकता है ठीक है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की के भारत की की किस किस के केंद्र, भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है तो यह आप लोगों को बताना है तो यह आती है आपकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत बासठ में आप माफ बासठ में आपका मूल अधिकारिता के अंतर्गत बासठ में सी होगा में क्या होगा सी होगा क्वेश्चन है तिरसठ सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में के में अंतर के बारे में क्या सही नहीं है क्या सही नहीं है पूछ रहा है सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और निजी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री ना हो बिल्कुल सही है सरकारी विधेयक फेस करने के लिए सात दिन का नोटिस जबकि निजी विधेयक के लिए पंद्रह दिन का नोटिस ये बिल्कुल गलत है सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना अधिक होती है जबकि निजी विधेयक की संभावना कम होती है ये भी बिल्कुल सही है और कम ही आप देखते हैं कई निजी विधेयक एक तरह से लाए गए लेकिन कम ही पास होते हैं और एक है आपका इसमें सरकार विधेयक सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार अविश्वास पैदा होता है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है सरकारी विधेयक में लेकिन निजी विधेयक के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसमें केवल आपका कौन सा गलत है बी ऑप्शन त्रेसठ में बी लगाएंगे आप लोग ठीक है ग्राम सभा क्या है ग्राम सभा क्या है तो यह पंचायत राज्य की मूल संस्था है जिसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं तो इसमें आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही है चौसठ में क्वेश्चन नंबर पैंसठ भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं ये आप अभी बारह देखते हैं पहले आप देखते थे आठ थी लेकिन विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन का संबंध आप सभी जानते हैं संविधान के संशोधन से है छियासठ में आपका बी छियासठ में क्या है बी सड़सठ अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है या होते हैं बताइए आप लोग तो निजी और सार्वजनिक दोनों इसमें शामिल होते हैं और हम आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है सड़सठ में सी क्वेश्चन है अड़सठ एक वर्ष एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या फिर बाहर हों इसे क्या कहते हैं आप लोग इसे क्या कहते हैं आप लोग तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं सकल राष्ट्रीय है, आय ठीक है एक तरह से आप समझिए एक वर्ष में एक साल में किसी देश के सामान्य निवासियों या फिर उनकी संपत्तियों द्वारा जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं बस, का अंतिम मूल वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही आप देखेंगे चाहे वे घर देश के अंदर हो या फिर बाहर हो ठीक है और इन्हें आप लोग क्या कहते हैं सकल राष्ट्रीय है, आय उनहत्तर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें आप दे देखेंगे कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था आप देखते हैं कि एक तरह से कई लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी उन्नीस में और आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के पास हर, हजारों करोड़ मतलब हजारों आप समझ सकते हैं एकड़ हेक्टर भूमि हुआ करती थी तो एक समानता बनाने के लिए उन लोगों को भूमि देने के लिए जिनके पास नहीं है लाए गए थे ठीक है भूमि सुधार अधिनियम तो ये आप देखेंगे में आपका बी मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है क्या पूछ रहा है सही नहीं है इसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2008 में शुरू किया गया था इसके अंतर्गत समत्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण में कृषकों को पांच रुपए थाली भोजन उपलब्ध ये बिल्कुल गलत है योजना के अंतर्गत वर्तमान कृषि कार्य कर, करते हुए कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि चार लाख रुपए दिए जाएंगे यह बिल्कुल सही है लेकिन इसमें क्या पूछा था सही नहीं है तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे बी ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा इकहत्तर फिलिप्स वक्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है अमेरिका के अर्थशास्त्री डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वक्र की संकल्पना प्रतिपादित की गई है तो इसमें आप देखेंगे सही नहीं पूछ रहा है ये आपका बिल्कुल सही, सही है फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल प्रदान वाला होता है बिल्कुल सही है फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रा स्पीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विध के मानुपाती संबंध पाया जाता है फिलिप्स वक्र दीर्घ काल में लंबवत हो जाता है तो इसमें आप लोग ए लगाएंगे इकहत्तर में ए क्वेश्चन है बहत्तर हमारे सामने गरीबी निवारण निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त के रूप में स्वयं सहायता समूह के बेचार को किसने प्रस्तुत किया था तो ये थे मोहम्मद ठीक है आपका ए निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिले हैं तो ये आप सभी जानते हैं भीम बैठ का तिहत्तर में आपका सी क्वेश्चन नंबर चौहत्तर कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन से नाटक हैं ये भी अजीब और याद रखिए सभी इनकी ही रचना है कालिदास की तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका मालविकाग्नि अग्निमित्र और एक है आपका अभिज्ञान शकुंतलम तो आप लोग याद रखिए इसमें आपका बी होगा दो और तीन चौहत्तर में बी क्वेश्चन हमारे सामने पचहत्तर हड़प्पा स्थल गया और उत्खनन करता होगा सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है आपको लोथल लोथल लो एस आर राव कालीबंगन कालीबंगन बी बी लाल धौलावीरा आर एस विस्ट हड़प्पा माधव स्वरूप वत्स तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे ए ऑप्शन लौथल एस आर राव कालीबंगन बी बी लाल धौलावीरा आर एस विस्ट हड़प्पा माधव स्वरूप वत्स ठीक है चलिए छिहत्तरवा क्वेश्चन देखते हैं अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था अशोक से पूर्व तो याद रखिए था आपका अख ने और आप देखते हैं कि जो कलिंग युद्ध होता है उसके बाद अशोक शांति की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि कलिंग में जो हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का वही एक तरह से मौर्य वंश के पतन का कारण भी बनता है सतहत्तर निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था याद रखना चाहिए रुद्र दामन पिथम ने सतर सी सतर सी क्वेश्चन है अठहत्तर राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि आपके तीन तो सही हैं एक गलत है तो आपको गलत चुनना है इसमें से वे तेलुगु वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे विदेशी यात्री पारस और नूनीच उनके दरबार में आए थे बिल्कुल सही है उनके साम्राज्य में पिछले महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा से ने उनकी प्रशंसा की थी बिल्कुल सही है उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की माल्यत की रचना की थी संस्कृत में की थी ये गलत है आपका अठहत्तर में आप लोग डी लगाएंगे क्वेश्चन है हमारे सामने उन्यासी निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रम यानी कि एक क्रम से आपको लगाना है क्या करना है लगाना है इलाहाबाद की संधि सालवाई की संधि फिर आप देखेंगे मंगलोर की संधि और अमृतसर की संधि सबसे पहले इलाहाबाद फिर सालवाई फिर मंगलोर और फिर अमृतसर इस तरह से आपकी ए ऑप्शन क्वेश्चन अस्थी निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है क्या पूछ रहा है सम्मिलित पूछ रहा है कांग्रेस अधिवेशन और ये घोषणा है तो इसमें अस्थी में आप लोग याद रखिए 1905 का बनारस अधिवेशन बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था इसमें 1905 का अधिवेशन बता देता हूं कुछ पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं क्या पूछ लेता है बहुत पूछ लेता है बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो 1905 की अगर हम लोग कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसमें उन्नीस 1905 ये बनारस में हुआ था याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी ठीक है 1905 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है 1906 के अगर हम लोग अधिवेशन कलकत्ता की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 1906 में जो कलकत्ता में आपका अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता दादा भाई की बात की गई थी 1906 के मद्रास अधिवेशन की अगर हम बात करें तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी स्वशासन को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था यह बिल्कुल गलत है 1907 का सूरत पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर स्वीकृति व्यक्त की गई थी तो याद रखिए जो 1907 का आपका सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था है? और अध्यक्षता की थी तो इसमें केवल आप देखेंगे कि ए सही है। क्या तो पूछ रहा है सही पूछ रहा है तो आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन अस्थि में है हमारे सामने इक्यासी त्रिपुरी संकट के समय किस राष्ट्रीय नेता ने एक विस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी और गांधीवादी नीतियों की आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वे गांधी जी की इच्छा अनुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करेंगे तो यह याद मालूम होना चाहिए गोविंद बल्लभ पंत इक्यासी में आपका सी क्वेश्चन है हमारा बयासी एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो याद रखिए यह पशुपथ संप्रदाय पंथ से संबद्ध था यानी कि बयासी में आपका डी क्वेश्चन हमारे सामने तेरासी भारतीय मूर्तिकला शैलियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है क्या है? सही नहीं है पूछ रहा है तो इसमें तीन सही होंगे एक गलत होगा तेरासी में गंधार कला की प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बौद्ध का मूर्ति मुख्य ग्रीक देवता अपोलो के समान है और तो मूर्ति मूर्तियां का परिवेश रोमन टोगा जैसा है बिल्कुल सही है गंधार कला शैली की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र की हेलीनेस्टिक कला से हुआ है बिल्कुल सही मथुरा कला विशुद्ध रूप से भारतीय कला है और इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता की प्रधानता है बिल्कुल सही है मथुरा कला शैली यथार्थवादी और जबकि गंधार कला शैली आदर्शवादी है यह आपका गलत है आपका और सही नहीं है पूछ रहा है तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे तेरासी में डी लगाएंगे क्वेश्चन है चौरासी ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में पुरुष एकल में से कौन विजेता रहा था तो याद रखिए रखिये थे आपके नोवाक जोकोबिच चौरासी में आपका बी चौरासी में बी चलते हैं क्वेश्चन पचासी की तरफ तेईसवा फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस से कहाँ और कब होगा ये आपको मालूम होना चाहिए यह आपका 2026 में अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में तो पचासी में आप क्या लगाएंगे डी 2026 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब प्रारंभ की गई थी तो याद रखिए सितंबर 2020 में छियासी में आपका ए सतासी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा के फॉर्मूला में निम्न में से किस प्रकार की संस्थाओं पर लागू होगा तो याद रखिए होगा आपके निजी और सरकारी और दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाओं पर एक तो आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई भाषा होगी और आपकी एक हिंदी हो गई एक अंग्रेजी हो गई इसलिए आप देखते हैं कि आपका दक्षिण भारत विरोध भी कर रहा है तो इसमें आपका सत्तासी में सी अठासी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की गई एन 920 नौ सौ बीस क्या है तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए प्याज की एक नई किस्म है अठासी सी होगा आपका नवासी मध्यप्रदेश सरकार की नवीनतम एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री ये मध्यप्रदेश सरकार की पूछ रहा है हरदीप सिंह डंग हरदीप सिंह डंग नवासी में ये होगा आपका नब्बे मध्य प्रदेश का बावनवा जिला आप सभी जानते हैं निवाड़ी बना हुआ है और ये आपका पृथ्वीपुर ओरछा और, और आपका निवाड़ी तीन तहसीलें शामिल की गई हैं और जो ओरछा आपका पहले निवाड़ी जिले में टीकमगढ़ में पड़ता था वो अब निवाड़ी में पड़ेगा याद रखिए तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है ए तो आप सभी जानते हैं देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में देखने को मिलेगा कहा ग्वालियर में हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया तो ये तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश प्रदेश में किया गया सी ऑप्शन किस सरकार द्वारा दिया जाने वाला कबीर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है यह है आपका भारतीय कविता से चौरानवे में ए क्वेश्चन है पंचानवे फरवरी दो में भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनीवाल ने डीएसपी नियुक्त किया था तो ये आप लोग सभी जानते हैं कौन थी हिमा दास ठीक है पंचानवे ए क्वेश्चन हमारे सामने छियानवे छियानवे और कर रोग का कौन सा लक्षण नहीं है इसमें इसमें चेहरे पर आंखें उभरी हुई लगती हैं बिल्कुल सही है पैर लंबे और पतले और मुड़े होते हैं बिल्कुल सही, है, सही है आपका शरीर की त्वचा ढीली होकर लटकने लगती ये आपका गलत है पेट बाहर की ओर निकल आता है तो इसमें याद रखिए सी आपका गलत है और बाकी तीनों सही है ए बी डी क्वेश्चन है हमारे सामने संतान जून 20, 2021 में सैतालीसवें जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया बेटेन में कहा हाल ही में, में भारतीय तेल गेंदबाज ईशान शर्मा टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज तेज गेंदबाज बन गए गे। तो ये तो आप लोग याद रखिए क्रिकेट से आप लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है तीन सौ विकेट अंठानबे में बी क्वेश्चन हमारे सामने निन्यानवे हाल ही में किस देश की धाविका बिटरे चेपकोएच ने पांच किलोमीटर रोड रेस को चौ चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड में पूरा करके रे, बिस्तर रिकॉर्ड बनाया है तो याद रखिए आपकी कन्या की ठीक है कहाँ की कन्या की आई पी भी सिक्स कितने बिट का एड्रेस है तो याद रखिए आपका एक सौ अट्ठाईस एक सौ अट्ठाईस तो ये तीसरा आपका मॉडल पेपर ख़त्म दो और आपके बचे हुए हैं तो उन्हें भी हम लोग बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे आपके पेपर से बहुत पहले देख कर जाइएगा आप लोग